एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ढोकले की रेसिपी। और इस वीडियो में मैंने ढोकला बनाने के लिए ना ही तो बेकिंग सोडा, ना ही बेकिंग पाउडर और दही और ना ही साइट्रिक एसिड का यूज़ किया है, और फिर भी देखिए ये कितना स्पॉन्जी बना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बनाना शुरू करते हैं अपना ढोकला। ढोकला बनाने के लिए मैंने इधर एक कप बेसन लिया है, उसके बाद मैंने इधर ली है हींग, राई, नमक, टर्मरिक पाउडर, थोड़ी सी चीनी और लेमन जूस और हरी मिर्च। उसके बाद मैंने इधर लिया है थोड़ा सा कड़ी पत्ता और इनो। इनो जो है वो आपको इजीली किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। अब मैंने इधर मिक्सिंग बोल लिया है, मिक्सिंग बोल में मैंने डाला है नमक, उसके बाद थोड़ी सी चीनी। चीनी को ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दिया है। लेमन जूस को ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए जो चीनी है वो पानी में डिसॉल्व हो गई है। अब जो हमने एक कप बेसन लिया है हम उसको इसमें डाल लेंगे। बेसन को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी आपको कम ही ऐड करनी है, अगर आप ज़्यादा हल्दी ऐड कर देंगे तो हल्दी का रंग लाल हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक विस्कर की हेल्प से। अब हम एक स्मूथ बैटर बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, और चलाते चलाते हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड किया है, उसको भी हम विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे जिससे कि एक स्मूथ बैटर बन के तैयार हो जाए। बैटर में इनो को ऐड करने से पहले आपको जिस भी बर्तन में ढोकला बनाना है आप उसको पहले से ग्रीस करके रख लें। तो ये देखिए मैंने ग्रीस कर लिया है। अब हम एक इनो का पैकेट लेंगे। इनो के पैकेट को हम काट कर अपने बैटर में मिक्स कर लेंगे, और इनो को डालने के बाद हमें इसे एक ही साइड चलाना है। अब इनो को एक्टिवेट करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और अब हम इसे एक ही तरफ घुमाते रहेंगे। तो ये देखिए हमारा जो बेसन है वो फूल चुका है। तो ये देखिए मेरा जो बैटर है वो तैयार है। अब मैं अपने केक टिन में इसको डाल लूँगी और इसको थोड़ा सा टैप करके एक कुकर के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसके ऊपर कद्दूकस रखा है। आप चाहे तो कोई भी कटोरिया स्टैंड रख कर इसको बना सकते हैं, आप इसे चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आपको उसकी विसल निकाल लेनी है। तो चलिए अब हम ढोकले के लिए अपना तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए सबसे पहले आप एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल दें, उसके बाद आप उसमें राई ऐड कर दें। राई को ऐड करने के बाद आप गैस ऑफ कर दें, उसके बाद आप उसमें ऐड करें थोड़ा सा कड़ी पत्ता और थोड़ी सी हरी मिर्च। चीनी के बाद आप इसमें ऐड करें थोड़ा सा लेमन जूस। लेमन जूस के बाद आप इसमें पानी ऐड कर दें। तो ये देखिए पानी जो है वो अब उबलने लगा है, तो फिर हम अब गैस को अब ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए मैंने अब इसमें चाकू डाल के देखा, चाकू में कुछ नहीं लगा, तो अभी बन चुका है। तो देखिए हमारा जो ढोकला है बन चुका है, और उसे साइडें छोड़नी शुरू कर दी हैं। अब आपने जिस भी कंटेनर में अपना ढोकला बनाया है उसे कुछ इस तरह से ऊपर से टैप करें और उसे निकाल लें। तो देखिए टैप करने से जो है कितने आराम से निकल रहा है। तो ये देखिए हमारा जो ढोकला है वो कितने आराम से निकल गया है, और ये जो हमारा ढोकला है कितना स्पॉन्जी बना है। अब हम अपने ढोकले को पीसेज में कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो ढोकला है वो कितना ज़्यादा स्पॉन्जी और कितना ज़्यादा जालीदार बना है। अब हमने जो ढोकले के लिए तड़का तैयार किया था उसको हम पूरे ढोकले पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जो ढोकला है वो बन के तैयार है, और ये बिल्कुल बाजार जैसा और कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूल।